हेलो हेलोमसी वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के लेक्चर पे हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो देखिए हमारी यूनिट चल रही थी एसिड्स एंड एंड सॉल्ट ऑफ टंगस्टन दो टाइप के एलिमेंट को आपने कवर करना है इसके हम लोग लेक्चर नंबर फोर्थ पे पहुंच चुके हैं यानी कि हमारा ये लास्ट लेक्चर है मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे मतलब थर्ड लेक्चर पे भी बताया था हमारा जो रिवीजन था वो भी मैंने आपको कराया था कि मैंने आपको क्या बोला एक बार मैं छोटे छोटे से बोल दूं तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेपरेटली बताया था कि आइसुपोली एसिड्स एंड एंडेरोपोली एसिड्स एंड इनके सॉल्ट इनके क्या होते हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन आइसोपोली एसिड्स एंड हाइड्रोपोली एसिड्स एंड इनके बीच में डिफरेंस ओके okay? तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे दोनों चीजें कवर कराई थी सेकेंड लेक्चर पे मैंने आपको क्या कराया था मैंने आपको बताया था आइसुपोली एसिड इसका स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टी इसके क्लासिफिकेशन किसके रिस्पेक्ट में मोलीबिडनम के रिस्पेक्ट पर ओके सिमिलरली जब मैंने लेक्चर नंबर पढ़ाया था लेक्चर नंबर थर्ड पर मैंने अगेन आइसोपोली एसिड बताया था एसिड का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ बताया थी बट किसके रिस्पेक्ट पर बताया था टंगस्टन के रिस्पेक्ट पर क्योंकि आपको दो ही एलिमेंट्स को कवर करना है ओके अब हमने आइसुपोली एसिड को तो कवर कर लिया अब हमारा बच गया हेटीरोपोली एसिड ओके तो अब हमने क्या करना है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी बन सकता है बट हमने क्या करना है आज के लेक्चर

पॉलिंग थ्योरीज कैगिन्स थ्योरीज और ये साथ ही साथ हमारे और थ्योरीज भी हैं। वो सारी थ्योरीज को हम कवर करते हुए इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन करेंगे ओके तो हेट्रोपोली एसिड को हम आज के लेक्चर पे कवर करेंगे दोनों तो के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ठीक है तो देखो ना हेट्रोपोली एसिड क्या होता है मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन किया और इसी के नाम से ही पता चल रहा है एसिड ओके तो हेट्रोपोली एसिड मतलब कि आपको पता है आपके पॉली एसिड के पास एसिड एनाइड्राइड वाला ग्रुप होता है ओके तो क्योंकि आपको पता है एसिड से कभी भी हम वॉटर को एलिमिनेट कराते हैं तो आपको एनाइड्राइड मिलता है ओके तो पॉली एसिड के पास तो एक सिंगल यूनिट ऑफ एनाइड्राइड होता है बट हेट्रोपोली एसिड के पास एक से ज्यादा टाइप के एनाइड्राइड यूनिट होता है यानी कि अगर आपका कोई भी पॉली एसिड अलग अलग टाइप के एसिड एनाइड्रेट की यूनिट से बना हुआ है उस पॉली एसिड को आप क्या टर्म देते हैं पॉली एसिड ओके और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई पॉली एसिड के अंदर दो डिफरेंट टाइप के मेटल आयंस प्रेजेंट हैं तो उस टाइप के पॉली एसिड को आप बोलेंगे हेटेरो पॉली एसिड क्योंकि हेटेरो मतलब क्या होता है डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप की बात हम लोग जब करते हैं तब हम क्या टर्म यूज करते हैं हेटेरो ओके और अगर हम लोग क्या है आइसो एक होता है आपका आइसो पॉली एसिड एक होता है आपका हेटेरो पॉली एसिड तो अगर आपके पास कोई पॉली एसिड है कोई आपके पास पॉली एसिड है अगर ये पॉली एसिड एक अकेले एसिड एनहाइड्राइट ग्रुप से बना हुआ है तो उसे आप बोलते हैं आइसो पॉली एसिड या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा पॉली एसिड जो कि एक सिंगल टाइप के सेंट्रल मेटल एटम से बना हुआ है तो आप उसे बोलेंगे आइसो पॉली एसिड ओके सिमिलरली पॉली एसिड मतलब क्या हुआ पॉली एसिड एक टाइप की पॉली एसिड ही है बट ये पॉली एसिड किसके कॉम्बिनेशन से बने होंगे एक से ज्यादा एसिड एनहाइड्राइट के कॉम्बिनेशन से बने होंगे

सिमिलरली हेटीरोपोली एसिड क्या हुआ एक पॉली एसिड ही होंगे बट उन पॉली एसिड में अगर आपको कोई पॉली एसिड में एक से ज्यादा एसिड एनहाइड्रेड ग्रुप या फिर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम मिलेंगे तो ऐसे पॉली एसिड को आप कौन सा टर्म देंगे हेटेरोपॉली एसिड इतनी चीज क्लियर आई वही चीज यहाँ पर को लिखा हुआ है ओके तो मैं आपको जो समझा देती हूँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है हाइट्रोपोली एसिड कंटेनर टू डिफरेंट मेटल आयन इन देर स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे पॉली एसिड जिसमें क्या है एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मेटल आयन प्रेजेंट है मतलब atom, okay? और वी कैन से एनी एसिड कोई भी आपके पास पॉली एसिड हो वो किसके कॉम्बिनेशन किस से बना विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट एसिड एंड मॉलिक्यूल यानी कि ऐसा पॉली एसिड जो की अलग अलग टाइप के एसिड एंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है इस टाइप के पॉली एसिड को आप बोलते हैं हाइडे एसिड तो यहाँ पर लिखा और वी कैन से दैट एसिड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसिड एंड हाइड्राइड मॉलिक्यूल सच टाइप ऑफ एसिड इज नोन एज अटेरोपोली एसिड कितनी चीज क्लियर आए? ये तो था आपका हेटेरोपोली एसिड क्या होता है ओके okay? तो अब यहाँ पर को लिखा हुआ है ये बोल रहा द फर्स्ट हेटेरोपोली एसिड जो सबसे पहला हेटेरोपोली एसिड था वो किसने डिस्कवर किया था आपके केमिस्ट था केमिस्ट थे जिनका नाम था जे बर्जिलस ओके okay? तो ये जे बर्जिलस आपके जो साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम हेटेरोपोली एसिड को डिस्कवर किया था ये हेटीरोपोली एसिड कैसे डिस्कवर हुआ वो भी हम देख लेते हैं इन्होंने क्या किया इनके पास ना एक फॉस्फेट का और एक मोलिबेट का कॉम्पाउंड था फिर क्या बोल रहा फिर ये बोल रहा है द फर्स्ट हेट्रोपोली अगर अगर आप पहले हेट्रोपोली एसिड पर बात करना चाहेंगे कि सबसे पहला हेट्रोपोली एसिड जो था वो आपके केमिस्ट थे जिनका नाम था जे बर्जिलस डिस्कवर किया था और ये दो टाइप के सॉल्यूशन थे एक था फॉस्फेट का सॉल्यूशन दूसरा था मॉलिबेट का सॉल्यूशन ओके okay? इन्होंने क्या किया जब इन दोनों सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन कराई तो आफ्टर रिएक्शन इनमें क्या करा है एसिडिफिकेशन कराया मतलब रिएक्शन क्या कराएसफिकेशन कराया कराने की वजह से क्या हुआ इनको एक येलो कलर की पीपीटी मिली और वो पीपीटी एक टाइप की एसिड थी और उसी एसिड को बोला गया पॉलीमोलिबेट फॉस्फोरिक एसिड ओके तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जो एसिड है वो एक टाइप का हाइटिपोली एसिड है क्योंकि इसे आप आसानी से देख सकते हैं इसमें आप देखो आपके दो टाइप के सेंट्रल मेटल एटम आपको मिलेंगे दो टाइप के हाइड्रो तो मिलेंगे एक तो बन गया मोलिबिडनम एक बन गया ओके तो यहाँ पर को दो टाइप के मेटल्स है पर भी भी है है और आपके पास एक भी है, तो इस वजह से क्या हो गया ये जो पॉली एसिड है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था बाई येमिस्ट जे बर्जेल किसकी वजह से एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराए थे उन्होंने दो टाइप के सोल्यूशन फॉस्फेट के सोल्यूशन और मोलिबिडेट के सोल्यूशन से जिसकी वजह से इन्हें येलो कलर का पीपीटी मिला का प्रेसिपिटेट मिला उसी कॉम्प्लेक्स को आपने क्या बोला एक टाइप का जिसका फॉर्मूला यहां पर को लिखा है पीएमओ ट्वेल्व ट्वेल्व ओ फोर्टी

आगे बढ़ते हैं अगर आप इनका स्ट्रक्चरल यूनिट देखना चाहेंगे अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहे तो आप इसे सिंपली बोल दीजिएगा कि ये दो टाइप के स्ट्रक्चर यूनिट में प्रेजेंट होता है एक होता है एमओ फोर एक होता है एमओ सिक्स और आपको पता है एमओ फोर क्या होता है एक टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता एमओ फोर में और एमो सिक्स में क्या होता है एक टाइप का ऑक्ट्रा यूनिट होती है ओके इसके सेंटर में क्या होता है वाइड होता है यानी कि स्पेस होती है जिसमें आपका हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है और इसके लिए एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाया है, ओके तो आप देख सकते सकते ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लीजिए ये एक टाइप का क्या है एक टाइप की यूनिट है इसके अंदर देखो ये जो ग्रीन पॉइंट यहाँ पर को दिखाया हुआ है यहाँ पर आपका हेट्रो एटम लाइक करता है और अगर आप इसे दूसरे फॉर्मेट से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा इसमें यहाँ पर को सेंटर पे क्या है ये है आपका हेट्रो एटम यूनिट ओके तो ये जस्ट इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है अब ये बोल रहा है कि आपके क्या जरूरी नहीं है कि आपके पास हैोपोली एसिड जब आप बनाएंगे हेट्रोपोली एसिड आप जब देखते हैं इस पर आपको गिने चुने सेंट्रल एटम एटम मिले यानी कि हेट्रो एटम मिले ओके तो यहाँ पर को कौन कौन से एटम लाइक कर सकते हैं अलग अलग टाइप के एटम यहाँ पर को लाइक कर सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर को लिखी हुई है ये बोल रहा है अगर आप ग्रुप फर्स्ट में ए और बी ग्रुप पर ग्रुप फर्स्ट के ए और बी एलिमेंट्स देखेंगे तो वहां आपको हाइड्रोजन और कोबार्ट ये दोनों एज अ सेंट्रल मेटल आइटम की तरह बिहेव करते हुए मिलेंगे यानी कि दोनों एज अ हाइड्रो एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं यानी कि यहाँ पर लाइक कर सकते हैं सिमिलरली ग्रुप सेकंड में देख लीजिएगा ग्रुप थर्ड में देख लीजिएगा ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर को लिखे हुए हैं ओके तो ये तो जस्ट आपको बताने के लिए है बाकी आप इसे ऐड करना चाहें नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन पे ओके okay? तो अगर आपने हाइड्रोपोली एसिड को प्रिपेयर करना है तो आप क्या क्या फॉर्मेट यूज करेंगे क्या क्या आपने काम करना है

right एक पहला आपका देख लीजिए ये है आपका एक यूनिट है इस पर आपको मोलिबिडनम दिया मोलिबिडनम का ऑक्साइड है ओके और ये है आपका फॉस्फोरस का ऑक्साइड इनमें आपने आपस में रिएक्शन कराई आफ्टर रिएक्शन आपको यहाँ पर को मिल गया आपका एनाइन तो ये एनाइन में आप देख लीजिए आपको ये जो एनाइन मिला यहाँ पर जो आपको एसिड मिला ये एसिड है आपका हाइड्रोपोली एसिड क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो एटम है और आपके पास दो टाइप के एसिड एनहाइड्राइड यूनिट है इन दो एसिड एनहाइड्राइड यूनिट होने की वजह से आप इस टाइप के एसिड मॉलिक्यूल को आप क्या बोले

इन दोनों में भी क्या है ये भी क्या है दो टाइप के एसिड यूनिट और दो टाइप के हाइड्रो से दो टाइप के एटम यूनिट से या फिर आप बोल सकते हैं दो टाइप के सेंट्रल एटम से के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुए ओके सिमिलरली बाकी के एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके अब ये क्या बोल रहा है फिर यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है द हेटेरोपॉली एसिड्स आर जनरली

फरदर क्या करा सकते हैं प्योरीफाई करा सकते हैं ओके okay? अगला ये क्या बोल रहा है अगला ये बोल रहा है वेर इज दैटेरोपोली एसिड आर प्रिपेयर सर्टेन स्टेप्स शुड बी कैप्टन एन ए माइंड विच आर एस फॉलो ओके तो अगर आपने हेटेरोपोली एसिड को प्रिपेयर कराना है तो आपको फॉलोइंग स्टेप्स को अपने माइंड पे रखना पड़ेगा वो स्टेप्स क्या क्या है तो आप इसके साथ प्रिपरेशन में ये सारी चीजें भी एड कीजिएगा तो पहला स्टेप ये बोल रहा है कि पहला स्टेप ये है एक्जेक्ट क्वांटिटी ऑफ एसिड एनहाइड्रेट मॉलिक्यूल एंड द एसिड विच आर फर्निश सेंट्रल एटम एंड देंट्रल टेकन ओके तो अगर आपको पता है अगर आप पॉली एसिड हेटीरोपोली बना रहे हैं, तो हेटीरोपॉलीसिड में आपको दो डिफरेंट टाइप के एसिड uh, एंडहाइड्रेट या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप को सेंट्रल मेटल आइटम की नीड होती है ओके okay? तभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तभी आपको अ अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट पॉली एसिड एज मिलेगा ओके okay? तो अगर आपने हाइटी पॉली एसिड को प्रिपेयर कराना है तो दो आपके जो टाइप के दो अलग अलग टाइप के या फिर दो क्या तीन क्या चार क्या नंबर ऑफ भी हो सकता है नंबर ऑफ जो एसिड एंड यूनिट आप लेते हैं उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको नोन होनी चाहिए ओके okay? तो अगर आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी नोन होगी तभी जाके आप उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर पाएंगे वरना अदरवाइज उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा ओके अगला ये बोल रहा है एक्जेक्ट पीएच मस्ट बी मेंटेन ओके तो पीएच भी आपका एग्जैक्ट होना चाहिए क्योंकि आपको पता है अगर आप पीएच वरी करते हैं तो आपका एसिड भी वरी होने लगता है तो अगर आपका पीएच फिक्स है आपको कोई एसिड प्रिपेयर कराना है और अगर आपका पीएच फिक्स है कि हाँ आपको पता है कि आपको यही पीएच में आपका एसिड बनता है तो आपको अपना पीएच को फिक्स रखना होगा अदरवाइज पीएच वरी करेगा तो एसिड भी वरी करेगा हम बार बार देख चुके हैं okay? ओके अगला ये बोल रहा है द दम हैज बीटेब्लिश विच इज इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट दी एच रिमेन्स

काफी हाई भी हो सकता है कम भी हो सकता है ओके okay? तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया इट इटमीन टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा हाई की वजह वजह से से हो हो जाएगा हो जाएगा कंडेंसेशन जिसकी कंड्रोलिस होगा और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से आपके सोल्यूशन का पीएच वरी करेगा और अगर पीएच वरी करेगा तो बात वही ऊपर वाली आ जाएगी कि पीएच अगर वरी कर जाएगा तो आपको जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर एसिड फॉर्म करना था वो फॉर्म नहीं हो पाएगा

की प्रॉपर्टीज और इनके क्या, आ, क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें हमने देखनी है तो ये बोल रहा है सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है इन जनरल okay, तो और इथर सॉलिबल होता है सोलिबल होते हैं और अगला ये क्या बोल रहा है और acids, so sorry, minute, और ये क्या बोल रहा है और ये बोल रहा है और वी कैन से दैट दोपोली एसिड विद स्मॉल एल्कलाई एंड वॉट आर वाटर सॉलिबल वेयर इज द लार्ज मेटल एंड आर द इनसॉलिबल इन वॉटर यानी कि कोई भी हेटीरोपोली एसिड जिसमें जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है या फिर आप बोल सकते हैं हेटीडो आइटम है वो अगर आपका कोई स्मॉल एल्कलाई है स्मॉल एल्कोलाई है तो वो वाटर में सॉलिबल होगा अगर आपका जो है उसमें जो मेटल है वो लार्ज मेटल है तो उस केस में जो आपका हेटीरोपोली एसिड होगा वो वॉटर इनसॉलिबल होगा इतनी चीज क्लियर है तो हेडिरोपॉली एसिड वैसे तो जनरली वाटर सॉलिबल और इथर सॉलिबल होते हैं बट ये चीज भी देखी गई है कि अगर आपका कोई हेटीरो एसिड है वो स्मॉल एल्कोलाइट के कॉम्बिनेशन से मतलब उसमें जो आपका हेटीरो एसिड उसमें जो आपका हेट्रो आइटम है सेंटोनेटल आइटम है वो अगर स्मॉल एल्कोलाई है तो वो वाटर सॉलिबल होगा बट अगर वो लार्ज एल्कोलाई को प्लेस करा हुआ है तो वहां पर को वो वाटर इनसॉलिबल हो जाएगा ओके अगली चीज ये बोल रहा है

प्रेजेंस ऑफ बेस तो मैंने यहाँ पर एटीन ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सी ग्रुप की यूनिट लिए यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है स्ट्रॉन्ग so बेस की प्रेजेंस में क्या होता है ये जो आपकी पूरी यूनिट है ये ये जो आपका है एटम है ये अपनी इनिशियल यूनिट में ब्रेक कर जाएगा इनिशियल यूनिट क्या हो गई एक तो आपका डब्ल्यू यानी कि टंगस्तन का ऑक्साइड हो गया और दूसरा हो गया आपका एफ यानी कि आयरन का ऑक्साइड इतनी चीज क्लियर है तो इतना बस ब्रेक डाउन होता है इतना बस डिकम्पोजिशन होता है इतनी चीज क्लियर ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी ओके तो बोल रहा है थर्ड बोल रहा है

सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ ए मॉलिबिडनम इज फॉर्म्ड इफ ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सोडियम मॉलिबिडेट रिएक्ट विद द एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फास्फेट सिलिकेट एंड द मेटल आयन तो ये बोल रहा है कि अगर आपको हेटेरोपॉली एसिड ऑफ अ मॉलिबिडेट मॉलिबेट मॉलिबिडेट का मॉलिबिडेट मेटल मॉलिबिडेट एलिमेंट का आपने हेटेरोपॉली एसिड को प्रिपेयर कराना है तो ये कैसे फॉर्म होगा ये फॉर्म होगा अगर आपके पास कोई सोडियम अगर वो सोडियम मोलिबेट आपका रिएक्ट कर जाए किसके साथ ऑफ ऑफ एन एसिड इन द द प्रेजेंस फॉस्फेट सिलिकेट एंड एंड मेटल तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका एसिड ऑफ ए मोलिबेट ओके तो अब ये कैसे होगा तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि इसमें तीन टाइप के आपको हेटीरोपोली एसिड मिलेंगे मोलिबेट के तो वो तीन टाइप क्या होंगे पहला टाइप है आपका ट्वेल्व मॉलिबेट हेटीरोपोली एसिड सीरीज ए दूसरा है ट्वेल्व मॉलिबेट हाइटिपोली एसिड सीरीज बी एक है आपका सिक्स मोलिबोडेट हेटीरोपोली एसिड ओके और ये तीन टाइप के हेटिडोपोली एसिड आपको मिल सकते हैं किसके मोलिबेटम के ओके तो ये होते क्या है पहले का फॉर्मूला यानी कि ट्वेल्व मॉलिबेट हाइटिपोली एसिड बट सीरीज ए इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स एंड पॉजिटिव यानी कि हेटेडो आइटम हेटेडो एटम की पावर hetero कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव में यानी कि है आपके पास 12 40 और पर लिखा 8 माइनस एन ओके दूसरा है आपका 12 मॉलिबोडेट हाइडिरोपोली एसिड जो कि सीरीज बी है इसमें अगर आप इस, इस टाइप के हाइडिरोपोली एसिड का इस टाइप की मोलिबोडेट हाइडीरोपोली एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला होता है आपका एक्स एन पॉजिटिव 12, 42, -N. Okay, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ओके okay? और ये कैसे आपका यहाँ पर को आपका जो मेटल आइटम होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर आपने मॉलिबेटेड कितने ले लेना है सिक्स यूनिट ले सकते हैं और यहाँ पर जो आप मेटल आइन यूज करेंगे वो आपका टी सिक्स पॉजिटिव आई सेवन पॉजिटिव या फिर आर एस थ्री पॉजिटिव हो सकता है ओके okay? तो ये जस्ट क्लासिफिक

टंगस्टन की यूनिट होगी आपकी ट्वेल्व ऑक्सीजन माइनस एन अब ये बोल रहा है, 12 एसिड silicate, तो ये, बोल रहा है कि ये आपका ट्वेल्व एसिड, एसिड प्रिपेयर कैसे होगा बस आपने काम करना है सोल्यूशन को लेना है इससे आपने एसिडिफाई कराना है किसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल एटम यहाँ पर आप ले सकते हैं फॉस्फोरस ले सकते हैं सिलिकेट ले सकते हैं इसके अलावा कोई दूसरा मेटल आयन भी ले सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन दोनों के एसिडिफिकेशन से आपको जो एसिड एसिड मिलेगा उससे आप बोलेंगे टंगस्टो ओके तो अब अगला क्या बोल रहा है अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चलेगा जब आपको जब मतलब इसका स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया था कैगिन्स ने इसे स्टडी किया था कैगिन्स का हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि कैगिन्स के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है

एम ओ सिक्स टाइप का कोई यूनिट है यानी कि एक टाइप की ऑक्ट्राइडवल यूनिट है ओके और अगला है आपका नाइन तो सेम चीज होगा नाइन टंगसू हाइटीरोपोली एसिड के केस में क्या होगा यहाँ पर जो टंगस्टन की यूनिट होगी वो होगी आपकी नाइन बाकी चीजें आपकी एज इट इज होंगी और यहाँ पर जो आपका हाइट्रो एटम है ये एक टाइप का फॉस्फोरस यूनिट है ओके अगला है आपका कॉम्प्लेक्स हाइटीरोपोली एसिड कॉम्प्लेक्स हाइडीरोपोली एसिड में क्या होगा इन द हाइटिरोपोली एसिड इस टाइप की हाइडीरोपोली एसिड में जो आपका हाइड्रो एटम है आर नॉट टोटली सराउंडेड

ओके तो अब ये अलग अलग रेशियो के बेसिस पे क्या पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने पे, को मिलेंगे तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो पहला स्ट्रक्चर है आपका यानी कि पहला एसिड का का फॉर्मूला है आपका आपका नहीं बोल सकते। पहली है, है, है पहला वो तो वन रेशियो ट्वेल्व के लिए अगर आप टाइप के स्ट्रक्चर के लिए आप जनरल फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो जनरल फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा जनरल फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ हाइड्रोपोली एसिड या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोपोली एनाइंस इज एक्स एन पॉजिटिव एम ट्वेल्व ओ फोर्टी एट एट माइनस एन ओके इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर को XN मतलब हो गया X आपका कोई भी हेटी होगा उसके ऊपर जो पावर लगे वो एन से रिप्रेजेंट किया और पावर है आपकी पॉजिटिव में ओके okay, दूसरा है आपका एम ट्वेल्व यानी कि एम आपका कोई भी मेटल होगा मेटल का नंबर है ट्वेल्व और ओ है आपके फोर्टी और बाकी की सारी चीजें एट माइनस एन ओके अब स्पेशली अगर आप पर्टिकुलरली वन रेशियो ट्वेल्व टाइप की स्ट्रक्चर की बात करेंगे टाइप की

दो टाइप की कैविटी होती है एक है हैल एक है टेट्राहेड्रल। तो आपके जो प्रेजेंट है वो इनर साइड में आपके हेट्रो प्रेजेंट है तो इसके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो सिंपल से एग्जाम्पल दिए हुए हैं पहला एग्जाम्पल है आपका अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है एक है अमोनिया फोर यानी कि एनएच फोर एन फोर थ्री का होल पी एम ओ ट्वेल्व

आर्सेनिक यूनिट से तो आप देख सकते हैं ये आपका कंपाउंड क्या बन गया ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया एन फोर का होल प्राइस आर्सेनिक मोलिबिडम 12 ऑक्सीजन 40 तो यहां पर आप इसे क्या बोलेंगे ये हो गया आपका अमोनियम मोलिबिडेट आर्सेनिक तो ये भी एक टाइप का क्या है एसिड है जो कि कौन सा फॉर्मुला कैरी करे हुए कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है इसका वन रेशियो ट्वेल्व का और इसको यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरली ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है ओके okay? तो ये क्या बोल रहा है ये जो यूनिट है वो इनिशियली ये सारी पूरी थ्री में रहेगी जिस आपको ऐसे दिखाया हुआ है ये बोल रहा है ये एक सिंगल यूनिट है आपकी किसकी एम थर्ट एम यूनिट है यानी कि ये जो है. यहां पर M आपका कितना है? 3 है. कितना है 13 है, है है, है। है, है है, है, अब ये एक single unit है. अगर आपने इस को convert करना है, आपने आपने इस इस को करना करना किसमें इसको बनाना है? 12 यानि कि इसे इसे क्या कर देना है? इसे कुछ इस में convert करना है. तो आप क्या करेंगे इंटू फोर कर देंगे यानी कि आपने इस यूनिट की चार मतलब इस टाइप की चार यूनिट ली हुई है अगर आप इसे चार यूनिट को कंबाइन करा देंगे तो आपका मोलिबिडेट कितना हो जाएगा ट्वेल्व मोलिबिडेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये कौन सा मोलिबिडेटेटेटेटेट है ट्वेल्व मोलिबिडेट वाले कंपाउंड है ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है पॉली एसिड क्या है ट्वेल्व मोलिबिडेट वाले कॉम्प्लेक्स है दोनों ट्वेल्व मोलिबिडेट वाले एसिड है तो ये कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट किया जाएगा इनमें जो आपके हेटेरो एटम है वो सेंटर पे यहाँ पर को ग्रीन पॉइंट ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर को प्रेजेंट होंगे आपके हेटेरो एटम यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा ओके अब हम लोग सेकेंड पे आ जाते हैं सेकंड है आपका बी टाइप है आपका टू रेशियो एट एटीन टेट्रोहेडवेल हेट्रो एटम ओके तो टू रेशियो एटीन का क्या कॉन्सेप्ट है तो देखो इसके लिए अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ टू रेशियो एटीन का है तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला होता है वो कुछ step का होता है एक्स की पावर टू एंड पॉजिटिव साथ के साथ आपका जो मेटल है वो एटीन है आपके जो ऑक्सीजन है वो सिक्सटी टू है और आपके पास सिक्स नेगेटिव चार्ज है ओके okay? और यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके जो मेटल है जो आपकी एटम है वो भी आपके स्पेसिफिक होंगे तो ये बोल रहा है टू रेशियो ट्वेल्व केस में जो

पॉलिनाइन है उसमें जो आपका हेटेरो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है इनर साइड पर प्रेजेंट है ओके okay? और ये क्या बोल रहे हैं और ये जो पूरी यूनिट है उसके बाद फर्दर किससे सराउंडेड है आपकी जो ऑक्सीजन एटम है जो कि क्या है ऑक्ट्रा यूनिट को कैरी करे हुए है तो अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है और इसके स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है डेफसन स्ट्रक्चर बोला जाता है तो डेवसन स्ट्रक्चर इस इसका नाम पड़ जाता है ओके okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये है आपका एक स्ट्रक्चर ये है आपका दूसरा स्ट्रक्चर इन दोनों को आपने क्या कराना है इन दोनों का पॉलीमराइजेशन कराना है इन दोनों को कंडेंस कराना है एक दूसरे के साथ ये कंबाइन होंगे तो अपर यूनिट बोला गया इसे डाउनवर्ड यूनिट बोला गया तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी तो क्या होगी ये यूनिट कंबाइन करेगी इसके साथ तो ये आपको फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा आफ्टर कंडेंसेशन आफ्टर पॉलीमराइजेशन और यहाँ पे जो सेंटर पर ये जो यूनिट्स है यहाँ पर को क्या लगेंगे आपके हेटीरो अगला है आपका लास्ट लास्ट नहीं थर्ड है आपका आपका वन रेशियो सिक्स टाइप का कंपाउंड यानी कि वन रेशियो सिक्स ऑफ्रेलिडो आइटम ओके तो अब ये टाइप के कंपाउंड क्या होता है तो इनके रिस्पेक्ट पे भी यही बात की हुई है कि अगर आप इनका जनरल फॉर्मुला देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ हेटी दिस टाइप ऑफ हेटी एसिड इनके लिए जो आपका स्ट्रक्चर रहता है इनका जो फॉर्मूला रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है यहाँ पर एक्स की पावर क्या है एंड पॉजिटिव मेटल है आपका सिक्स और ऑक्सीजन है आपके 24 और पावर में आपको क्या दिया है 12- माइनस एन ओके तो ये हो गया आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी आपके जो मेटल है यहाँ भी आपके जो हैं वो आपके स्पेसिफिक होंगे वो कौन कौन से होंगे तो ये बोल रहा है यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो आपके टंगस्टन रहेंगे सिमिलरली जो आपके एटम्स रहेंगे वो आपके क्या होंगे सी ओ आई ए एल कुछ भी हो सकते हैं इनमें से ओके अगला बोल रहा है द एटम इन दिस केस आर द लार्जर इन साइज तो यहाँ पर को जो आपके हेटीरो तक हम लोग क्या है इतने छोटे छोटे से यहाँ पर दिखा रहे थे बट अब क्या होगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है वन रेशियो ट्वेल्व रेशियो सिक्स का तो इस केस में जो आपका हेटीरो आइटम्स होंगे वो बड़े साइज के आपको दिखेंगे और जो कि किससे सराउंडेड होंगे ऑक्सीजन यूनिट से जो कि एज में यानी कि कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे ओके okay? अब देखो अगला क्या बोल रहा है इन दिस इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट द एम ओ सिक्स ऑक्टाहेड्रल यूनिट आर पैल टू ईच अदर यानी कि कॉर्नर्स पर जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस यूनिट में प्रेजेंट है एम ओ सिक्स ऑक्टाहाइड यूनिट में प्रेजेंट है और ये सारे के सारे यूनिट क्या है एक दूसरे से किस कैसे अरेंज है एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है एक दूसरे के साथ अरेंज है कैसे तो देखो एक साइड आप यहाँ देखो ये यह एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे है। ये आपकी लेफ्ट आप right राइट हो गया पॉलीमराइजेशन तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन आपको कुछ इस टाइप का पॉली मिला जिसके सेंटर पे यहाँ पर को हेटेरो आइटम प्रेजेंट है ओके अगला आगे आपका लास्ट है आपका वन रेशू नाइन तो, तो इस केस में क्या होगा वन नाइन के केस में तो ये बोल रहा है द जनरल फार्मूला अगर आप इसके लिए जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो इस टाइप के हेटीरोपोली एसिड का जनरल फॉर्मूला कुछ आपको कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे बोल रखा है एक्स की पावर एन पॉजिटिव यानी कि हेटीरो आइटम की पावर क्या है एन पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है सिमिलरली मेटल आपके कितने हैं नाइन है ऑक्सीजन है आपके थर्टी टू यहां पर हो गया टेन माइनस ओके तो ये आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन uh, हो गया सिंपल फॉर्मूला हो गया यहाँ पे भी आपके स्पेसिफिक होंगे कौन एमओ और डब्ल्यू तो है यानी कि मोलिबिडम और टंगस्टन अगेन और जो आपका एक्स है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके है एटम जो है हेटीरोमएन और एनआई है इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स को एज अ एटम आप यहाँ पर को यूज कर सकते हैं ओके और इनके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका निकल निकल आपने यहाँ पर लिया है मोलिबिनम की नाइन यूनिट ली है ऑक्सीजन की थर्टी टू यूनिट ली है सिक्स नेगेटिव का चार्ज ओके सिमिलरली अब आपने एनआई को किससे रिप्लेस कर दिया एम से रिप्लेस कर दिया बाकी चीजें आपकी एज इट इज है एमओ आपके नाइन ऑक्सीजन आपके थर्टी और सिक्स नेगेटिव चार्ज तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके वन रेशियो नाइन टाइप के ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल हेटिडो एटम पॉली एसिड भी आप उसे बोल सकते हैं ओके तो अब आगे बढ़िए अब देखो यूज ऑफ पॉली एसिड भी यहाँ पर को ऐड किया हुआ है यूज क्या है पॉली एसिड का तो ये बोल रहे ड्यू टू द हाई सॉलिबिलिटी यूज एज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन ओके तो इनकी बहुत अच्छी स्पेसिफिक सॉलिबिलिटी होती है जिसकी वजह से आप इसे यूज करते हैं फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन सिमिलरली दूसरा यूज है इसका यूज फॉर द डिटेक्टिंग वेरियस एल्कुलय यानी कि एल्कुलॉइड को डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है और एलब्यूमिन को डिटेक्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है किसका पॉली एसिड्स का ओके okay. अगला बोल रहा है यूज फॉर द सेंसिस ऑफ ए न्यू और द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज कॉम्पलेक्सपीज को नई नई स्पीसीज को सेंसेसाइज करने के लिए भी पॉली एसिड्स का यूज होता है ियम मॉलीबिडियम टंगस्ट एन वेनेडियम फॉर फ्रॉम दियर ओर्स यानी कि अगर आपके पास ये मेटल्स है इनके अगर आपने इनको इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना है इन्हें आपने प्यूरिफाई कराना है तो आप सिंपली क्या है आइसोपोली एसिड का यूज कर सकते हैं ओके okay? और लास्ट किया है लास्ट है आपका It is also used plastic energy store device. तो प्लास्टिक एनर्जी स्टोर डिवाइस में भी इसका यूज किया जाता है तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था हमारा आइसोपोलियनोपोली एसिड्स एंड पे तो यहाँ पे हमारी यूनिट कंप्लीट होती है मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए बाय बाय